आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आपका क्लास टेंथ का चैप्टर है, क्लास टेंथ का, ठीक है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस का जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं, और इसके बाद इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है कि ऐसा होता है, इसको हम रो भी बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन के बारे में बात करेगा तो ऐसे होगा, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हम देख लिए। इसके बाद कुछ और भी चीज़ देखने वाले हैं, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करता है, तो क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में होता है क्या कि इस केस में जो ऑब्जर्वर रहता है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो देखने वाला है, ये आपका नीचे रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक वर्टिकल लाइन ले लिए, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर जो है उसको देख रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ये जो एक वर्टिकल लाइन है, तो जब वर्टिकल है तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। पॉइंट सी पे जो है आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। पॉइंट ए पे जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ये जो आपका लाइन बन रहा है इसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब हो गया दृष्टि रेखा, यानी इसी लाइन से देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को। ये जो आपका दिख रहा है ए बी, इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। और जो बी सी आपका दिख रहा है यही हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ऑब्जर्वर जो है मेरा नीचे है और ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, ऊपर है। तो जो आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, थीटा, इसी चीज को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी यही आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए कि इस केस में ऑब्जेक्ट जो है आपका ऊपर रहेगा और ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है इसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि इस चीज का अपोजिट होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम क्या देखे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर है, ऑब्जर्वर कहाँ है, नीचे है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी ऑब्जर्वर आपका ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो नीचे रहेगा। यानी इस केस में हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट पी है, ये आपका क्यू है और ये आर है। पी क्यू जो है, पी क्यू ये आपका वर्टिकल लाइन है, पी क्यू जो है वर्टिकल लाइन है। क्यू आर जो आपका दिख रहा ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऑब्जर्वर जो है अभी पी पे है और आपका ऑब्जेक्ट जो है आर पे है, ठीक है। यानी पॉइंट पी से आर को देखा जा रहा है, तो इस केस में इसी लाइन से देखा जा रहा है, यानी इस लाइन को ही हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा, नहीं जो देखने वाला रेखा है, ठीक है। तो अभी हम बोले हैं कि जहाँ भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात हो, वहाँ सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट लेना है। इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वही एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम करेगा। तो यहाँ यहीं पर आपका लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट में जहाँ पे ऑब्जर्वर है उसी ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर सी पे था, तो सी से जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लिए बी सी बना है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जर्वर पी पे है, तो यहाँ से जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हम ले लिए, मान लेते हैं आपका पी एम हो गया।
तो ये आपका आया PM जो है, PM ये एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन है, और PR जो दिख रहा है ये आपका लाइन ऑफ साइट है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना थीटा, इसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यानी जब ऑब्जर्वर आपका ऊपर है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे है, तो इस केस में PR जो है आपका लाइन ऑफ साइट है और PM जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना इसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देख रहे हैं कि QR भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और साथ साथ PM भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज पैरेलल तो होगा ही, दो आपका वर्टिकल होगा तभी पैरेलल होगा, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है तो ये आपके ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका एंगल MPR जो है PRQ के इक्वल होगा। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और उसके बाद आगे का काम हम करेंगे। तो अभी तक हमने यही देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बता रहे हैं अभी। देखिए, इसके पहले आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में जिस एंगल का मेंशन किया जाता है, जैसे ABC राइट एंगल ट्रेंगल है तो ये तो 90 डिग्री है। अब बचा आपका एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C में जिस एंगल का मेंशन हो एक्यूट का, जैसे मान लेते थीटा का मेंशन हो रहा है, तो इसके सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर होगा, ये आपका 90 के सामने है तो हाइपोटेनस ऑलवेज होगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको यही चीज़ देखना है, यानी जो भी थीटा का मेंशन कर रहा है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने तो ऑलवेज हाइपोटेनस होगा और ये आपका जो बचेगा ये बेस का काम करेगा। इसके बाद एक दो चीज़ और हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। जैसे यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है, और ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जर्वर जो है बेस के यानी बी के नज़दीक आते जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से सी से कहाँ आ गया, डी पे आ गया, यानी जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है इसका मेजर इंक्रीज करेगा, यानी जैसे जैसे बेस के नज़दीक आएगा इसका मेजर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे बेस से दूर जाएगा इसका मेजर जो है डिक्रीज करेगा। जैसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है और ये आपका थीटा 3 है, ठीक है। तो थीटा 1 जो है थीटा 1 से ग्रेटर वैल्यू होगा थीटा 2 का, और थीटा 1 से स्मॉलर वैल्यू होगा थीटा 3 का। यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से जो हो रही वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन का जो बेस है, इस बेस से जैसे जैसे नज़दीक आएगा एंगल जो है इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे इस बेस से दूर जाएगा एंगल ही क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा। इसका यूज करके आप फिगर बना सकते हैं, फिगर बनाने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए बताएं। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं तो जब बना लेते हैं तो यहाँ पे दिक्कत होता है कि हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूला को लगाएं, तो इस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम इस एंगल का मेंशन कर रहे हैं, तो जब इसका मेंशन कर रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि हमको दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका पी दिया हुआ और थीटा भी दिया हुआ, एच हमको फाइंड करना है, तब हम सोचेंगे कि कौन ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है जो पी और एच के रिलेशन को जोड़ता है। तो इसके लिए साइन थीटा, यानी साइन थीटा पी बाई एच को इंडिकेट करता है। तो अगर हमको थीटा पता है, पी पता है, तो एच निकाल सकते हैं, या फिर एच पता है, पी पता है, तो हम थीटा को भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा का यूज हम तब करेंगे जब बेस और हाइपोटेनस से कोई रिलेशन जोड़ना हो, और टैन थीटा का यूज तब करेंगे जब हमको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जोड़ना हो। तो यही आपका तीनों यूज करके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है वो भी तो इसके रेसिप्रोकल से ही आता है, तो यानी इन दोनों तीनों का यूज करके हम बना सकते हैं। अब इसमें साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन का, जैसे साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 90 का तो खैर यूज काफ़ी कम मिलेगा, ना के बराबर, साइन 0 भी कम मिलेगा। तो कम से कम आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इतने का वैल्यू आपको जरूर याद रखना है। बाकी भी याद रखते हैं तो अच्छा बात है, बाकी में काम आएगा, लेकिन इतना का जरूरत पड़ेगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अब इसमें आप यही तीनों में देखिए किस क्वेश्चन में किसका जरूरत पड़ रहा है, उसके अनुसार यूज करना है। इसके बाद जो हम वीडियो डालने वाले हैं, इसमें हम एनसीईआरटी का जो हाइट एंड डिस्टेंस है, उस हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल क्वेश्चन वन बाई वन हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं।